नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में हुई कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर बदनाम रहने वाली एकमात्र सरकारी हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी पवन हंस अब बिक गई है। केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथों बेच दिया है। इसके बाद से ही पवन हंस लगातार खबरों के केंद्र में है। केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड को बेचने का फैसला कर लिया है। हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस लिमिटेड को बेचने के पीछे सरकार का कहना है कि कंपनी लगातार गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। दरअसल 3 दशक से भी अधिक पुरानी इस कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके बाद साल 2019-20 में भी कंपनी को लगभग 28 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा था। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 3 बार इसे बेचने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उस समय किसी निवेशक ने इसे खरीदने में रुचि नहीं दिखाई थी। इसी के चलते सरकार ने इस कंपनी से अपनी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला किया। बेचने की लगातार मुहिम तेजी से जारी है और कभी 1990 में जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे तब ये योजना बनी थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश प्रक्रिया को शुरुआत की जाए और फिर अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली और फिर उसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहला उदाहरण जिसे वेदांता ने खरीद लिया। इसके बाद तमाम बालको बिकी होटल कुतुब कनिष्क अशोक यात्री निवास रंजीत सेंटोर तमाम होटल तमाम पीएसयू बेचने का काम सरकारी संपत्ति निजी हाथों में पहुंच गई और उसके बाद अब फिर से मोदी सरकार में लगातार पीएसयूज को बेचा जा रहा है और ये वो नामी गिरामी कंपनियां जो कभी सरकारी साख का और देश की साख का हिस्सा रही हैं, पवन हंस भी उन्हीं हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी में से एक जो अपनी साख रखती है लेकिन सही देखभाल नहीं होने की वजह से या कहीं कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज के पैर सत्ता के गलियारों में पड़ जाने से लगातार ये सरकारी कंपनियां हाशिए पर चली गईं और इस कदर हाशिए पर गईं कि फिर उठ ना सकी और अंततः अब उनके बिकने का मार्ग सुगम हो गया और धीरे धीरे करके इन कंपनियों के बेचने की प्रक्रिया तमाम विरोध बहुत सारी एक प्रतिष्ठा लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़िग कायम और किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर ये सिलसिला अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा या फिर कहीं रुकने का नाम लेगा, लेकिन अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बदस्तूर इन पब्लिक सर्विस यूनिट को बेचने का काम जारी है। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत की जिसको अनजान तक पहले वाजपेयी कार्यकाल में पहला एक मंत्रालय बनाया गया, नए मंत्रालय का गठन किया गया विनिवेश मंत्रालय और इसके मंत्री बनाए गए अरुण शौरी और वहीं से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया को हवा लगी और अब भाजपा के दूसरे पार्ट में जिसमें मोदी सरकार केंद्र में है लगातार
NPSUs को बेचा जा रहा है और सरकार अपने फैसले को हर कदम पर जायज बता रही है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस से, विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, देशबंधु दीक्षित प्रवक्ता बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। सबसे पहले आदित्य जी आपके पास आएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई आपके करने से, लेकिन फिर आपके बाद जो बीजेपी ने किया वो हाल सबके सामने है। लगातार कंपनियां बिकती जा रही हैं और पवन हंस अब ताज़ा उदाहरण है। अगर इस कंपनी को चलाया जाता तो अब चुनावों में जिस तरह के तमाम इवेंट्स में हेलीकॉप्टर को हायर किया जाता है, बड़े बड़े बजट बनते हैं, तो शायद कंपनी खड़ी हो सकती थी, लेकिन सरकार की इच्छा इसके पीछे शायद नहीं रही। आदित्य जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, कहना चाहूंगा सर, 2014 से 2018 तक जी जो सरकारी आंकड़े हैं, बीजेपी ने अभी तक 1,94,646 करोड़ का डिस इन्वेस्टमेंट किया। तमाम कई कंपनीज के मेजर स्टॉक सेल कर दिए, कई कंपनीज के माइनर स्टॉक सेल किए। ONGC जैसी जो कंपनी थी CPSU, उसकी डील की 36,315 करोड़ रुपए में। 2017 से 18 में जब वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी हुआ करते थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कहा था कि हम 24 PSUs को प्राइवेट करेंगे, और जैसे ही उन्होंने कहा कि हम 24 कंपनीज को प्राइवेट करेंगे, एक ताजा उदाहरण आपके सामने एक और है, एयर इंडिया का। एयर इंडिया तब से घाटे में चलने लगी और आज उन्होंने एयर इंडिया को बेच दिया। 2015 से लेकर 2019 तक प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट रहा कि इन्होंने अपने मित्रों को बहुत लाभ दिया प्राइवेटाइजेशन से, और जो आम जनता थी, जो टैक्स पेयर है इस देश की, उसका 69,575.64 करोड़ का नुकसान हुआ। ये मेरे आंकड़े इंडियन इकोनॉमिक फोरम से हैं। इस तरह से मोदी सरकार जितनी PSU को, एक भी PSU उन्होंने क्रिएट नहीं किया। मनमोहन जी ने अपने समय में 23 PSU क्रिएट किए थे और अटल जी भी 17 PSU क्रिएट किए थे अपने टाइम में। राजीव गांधी जी ने अपने समय में 16 PSU क्रिएट किए थे। लेकिन आज बेचने की बात देखें तो मोदी जी लगातार बेचते जा रहे हैं और अभी तक इन्होंने एक सिंगल PSU नहीं खड़ा किया, जिससे इकोनॉमी को बहुत ही करारा नुकसान पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से इकोनॉमी को धाराशाही कर दिया है अपनी गलत नीतियों के कारण। RBI है, ऐसे ऐसे घोटाले हो जा रहे हैं। शिपयार्ड घोटाला अभी ताजा घोटाला है, जिसमें आज तक का 28,500 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला रहा। जब वो भाग गया तब जाकर आंख खुल रही सरकार की। नहीं, लेकिन आदित्य त्रिपाठी जी, आदित्य जी देखिए, जब बीजेपी कहीं विपक्ष में थी तो आपकी ईंट से ईंट बजा देती थी, लेकिन आप इतना दबा कुचला विरोध करते हैं कि बीजेपी के कानों पर जूं भी नहीं रेंग पाती। शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि विपक्ष को समझते कुछ नहीं है और अपने मन में जो आता है कर लेते हैं, और विपक्ष केवल कड़ी निंदा करने के कुछ नहीं कर पाता है, और इन सब के बीच देश को लगातार नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा है। बेशक आपको बुरा लगेगा, लेकिन सवाल थोड़ा तीखा है और मैं जवाब आपसे स्पष्ट चाहूंगा। देखिए, जनता ने जिस तरह से बीजेपी को जला दिया, चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा हो, आज हमारे निश्चित तौर पे सांसद कम है, और विरोध की बात रही तो सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है। लेकिन आपने देखा, जैसे आप जिम्मेदार चैनल हैं, लेकिन तमाम ऐसे बड़े उद्योग घराने हैं जो मीडिया जिनके दबाव में है काम कर रहा है, जैसे अंबानी के तमाम स्टेक्स लगे हुए हैं विभिन्न मीडिया चैनलों पर, अडानी के लगे हुए हैं तमाम स्टेक विभिन्न मीडिया चैनलों पर,
इसका रिजल्ट ये है कि आज जो बड़े मीडिया हाउस हैं वो बिक चुके हैं पूर्णता, और वो नहीं दिखा रहे हैं, वो जनता को असलियत नहीं दिखा रहे हैं, वो मुद्दे भटकाकर देश की राजनीति को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। आज जिस तरह से इकोनॉमी को लगातार चोट पहुंचती जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। जिस तरह से पवन हंस की आपने बात की, 211 करोड़ में इन्होंने भेज दिया पवन हंस को। अभी आपको पता, चार धाम यात्रा की शुरुआत होनी है कल से, और पवन हंस हर जगह जहां भी चार धाम की यात्रा है वहां पर इस्तेमाल किया जाता था और एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता था, क्योंकि दो साल में कोविड था, सारे सेक्टर्स का फॉल डाउन था, तो विभिन्न पीएसयू को भी नुकसान हुआ है उसका, प्राइवेट सेक्टर भी नुकसान में रहे। लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या था? गवर्नमेंट का काम था उनके लिए बजट एलोकेट करके उनको बूस्ट करने का, ना कि उनको बेच के, इस देश की जो सरकारी संपत्ति उसको बेच के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का। बिल्कुल विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आ रही आवाज। विपिन शर्मा जी, सरकार ने पवन हंस को उड़ाने से ज्यादा गिराने में रुचि दिखाई और लगातार ये क्रम जारी है, और अब पवन हंस उसी क्रम में शायद बिक गया। निश्चित बात है, देखिए यहाँ पर दोनों पहलुओं पे हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। एक तरफ जब मोदी सरकार बात करती है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, उनको राष्ट्र निर्माण में उनको मौका देंगे और उनकी एक बड़ी अहम भूमिका होगी, वो एक पहलू है सिक्के का। दूसरा पहलू ये भी है कि जब विपक्ष हमला बोलती है, विपक्ष को पूरा हक है, यही लोकतंत्र है यहाँ पर, कि जब वो बोलते हैं कि कितने बिडिंग कितनी हुई यहाँ पर और कितने बिडर्स आए, और सबसे बड़ी बात है वैल्यूएशन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है वैल्यूएशन, उसमें क्योंकि यहाँ पर सरकार की, निश्चित बात है कि मोदी सरकार ने कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, उनको लेके आए, और पहले जब प्लानिंग कमीशन हुआ था, फिर उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ। तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, जब तवज्जो और प्राथमिकता देनी है पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पर विपक्ष को पूरा हक है कि यहाँ पर क्या कारण है कि आप बताएं, जितने भी उदाहरण आपके सामने की बात करें, भारत पेट्रोलियम। विपिन शर्मा जी, दरअसल विपक्ष वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है और सत्ता के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है कि देश की जो सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां हैं वो लगातार बिक रही हैं। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। विपिन, हम चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, सरकार को रोकने वाला कोई नहीं है और विपक्ष बहुत कमजोर है, शायद ये भी एक बड़ा कारण। निश्चित बात है, बिल्कुल आपकी बात में पूरा दम है। और यहाँ पर देखिए, एक बात का जिक्र करना बहुत अनिवार्य है कि जब यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से एक पैगाम आया कि जो सरकार है उसको कोई बिजनेस नहीं बनता टू बी इन बिजनेस, और ये बहुत बड़ी बात, एक स्टेटमेंट था कि जब उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो अपने आप में ये बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत कुछ दर्शाता है कि ये क्या सरकार क्या चाहती है, प्राथमिकता किस चीज को मिलनी चाहिए। आप रिफॉर्म्स लेके आए, बिल्कुल स्वागत योग्य है, आपने देश को आगे ले जाना है। लाल किले की प्राचीर से भी देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था देशवासियों से कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 trillion बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कई बातें मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि हम डिसइन्वेस्टमेंट की जो बातें करते हैं, और खास तौर पे क्योंकि आज की चर्चा पवन हंस पे है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसके पीछे कारण, क्योंकि कांग्रेस की अगर दलील देखें उसको, अगर उसको हम तवज्जो दे तो वो कहते थे कि उसका मर्जर क्यों नहीं करा आपने ONGC के साथ, जिनका जिनका ONGC तो खुद बीमार पड़ी है, ONGC तो खुद बीमार पड़ी है। और सबसे बड़ी बात है जितने ये तीर्थ यात्राएं हैं, तो इतने में आपने अगर सरकार ने इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है और देख लिया, तो यहाँ पर
निश्चित बात है जवाबदेही बनेगी सरकार की, उनको बिल्कुल सत्ता स्पष्ट एक आगे उनको जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को कि यहाँ पर ये क्या कारण था कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और सबसे बड़ी बात है कि आप रिफॉर्म लेके आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन और साथ में नेशनल मॉडर्नाइजेशन जो आपका आपकी नीति है, आप चाहते हैं कि उसको और अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो यहाँ पर ऐसे विपक्ष को पूरा सवाल है। यहाँ पर सवाल ये होता है पारदर्शिता का कि आप उनसे सही जवाब दें ताकि बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ हो। ठीक है, बिल्कुल देशबंधु दीक्षित जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। देशबंधु दीक्षित जी, आज आप खुश तो बहुत होंगे, उपलब्धियों के आंकड़े गिनाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार ने पवन हंस को बेच दिया है। देशबंधु जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देशबंधु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप खुश तो बहुत होंगे, उपलब्धियों के आंकड़े गिनाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार ने पवन हंस को बेच दिया है, उसको उड़ाने से ज्यादा गिराने में वक्त लगाया। मैं आपकी बात से असहमत हूँ, इतना ही कहना चाहूँगा, पवन हंस को बेच देने के बाद सरकार ने उसको भरसक प्रयास किया। देखिए, पवन हंस एक अच्छा विमान था, लेकिन आपने देखा होगा विगत कुछ वर्षों में दुर्घटनाएं बहुत थी और सरकार ने इसको जो है समय स्थापित करने प्रयास भी काफी किया, लेकिन सफल नहीं रहा और संवेदनाओं को देखते हुए और दुर्घटनाओं में काफी नुकसान हो जाता है। सरकार की भलाई के लिए जनता और कई बात अभी हमारे कांग्रेस के सबसे कह रहे थे, जनता की भलाई के लिए और जनता की जीवन की रक्षा के लिए यदि ये उपकरण काम में आते हैं, ये हमारे सिस्टम में संयत बनते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से अगर लाभकारी हो तो और जनता के लिए उसका अहित हो, ये बात सरकार सच्चा क्या हो फैसला कठिन होता है। कोई भी सरकार जीएसटी देते लेकिन आपने देखा होगा कई प्रश्न निरंतर पवन हंस की मदद करने के बाद और हमारे कांग्रेस ये सरकार चाहते हैं। और आपने कहा उपलब्धि की बात है, आप 2004 से 2014 तक की उपलब्धि की बात नहीं करते कि 1,81,000 करोड़ का टेलीकॉम घोटाला हो गया और वो कहा हम आपसे आपका बारे में सवाल कर रहे हैं, घोटाले की तो और भी हम डिबेट कर चुके हैं, हम डिबेट ये कर रहे हैं कि पीएसयूज को लगातार बेचा जा रहा है और सरकार पूरी तरीके से इसमें लगी है कि सब बिक जाए, तो ये क्या लगता है आपको, ठीक है ये सब ठीक हो रहा है? कह रहा हूं घाटे का है और वो लगातार घाटे का सौदा होता जा रहा है। उसके बाद यदि उसने जनता के पवन हंस किसके लिए आया था, जनता के उपयोग किया था, पवन हंस बहुत कठिन समय में भारत सरकार का विभिन्न समय पर सहयोग किया, लेकिन विगत कुछ वर्षों में आपने देखा इसमें कुछ तकनीकी खामियां आई जिसके कारण दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई। पवन हंस से क्या अर्थ समझ रहे हैं आप, पहले मुझे जरा ये बता दीजिए। आपने पवन हंस लिमिटेड की बात की ना, 211 करोड़ में जो पीएसयू आया है, 211 करोड़ में अभी जो पीएसयू बेचा गया है, आप उसी बात पर आज आप खुदा है मैं उसी बात को लेकर उसमें एक विमान है पवन, एक विमान नहीं है 41 हेलीकॉप्टर हैं, देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी है, सरकारी कंपनी है, प्रोवाइडर कंपनी है और जो जनता के काम आती थी, लेकिन आप देखा होगा पिछले वर्षों में दुर्घटनाएं बहुत और तो कोई चीज खराब होगी तो आप उसे बेच देंगे? नहीं, देखिए ठीक करने की कोशिश की गई, अगर शरीर में कोई अंग है उस उंगली को काट देंगे, उसका इलाज नहीं होगा आपसे, फिर आप देश की बातें करते हैं बड़ी बड़ी। नहीं, अगर शरीर का कोई अंग शरीर कोई जानलेवा बीमारी बन जाए तो अंग काट के अलग ही किया जा सकता, उसको थोड़ा प्रस्तुत या विस्तारित तो ये सारी पीएसयूज बीजेपी के लिए जानलेवा बीमारी है ये समझे हम। अगर ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर विमान दुर्घटनाग्रस्त कर रहा है, दोनों लोगों की रक्षा के लिए बाधा बन रहा है, तो शरीर का कोई अंग सड़ जाए और वो बीमारी अगर मुझे बयान आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं,
ये बड़ी गंभीर और शर्मनाक बात है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट के फेंक दो, उसके इलाज के लिए कोशिश न की जाए। शायद इतनी गंभीर बीमारी नहीं थी पवन हंस को। आदित्य त्रिपाठी जी, सुन लिया होगा बयान आपने। आदित्य त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आदित्य त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विपिन शर्मा जी, जी विपिन शर्मा जी, आपने वक्तव्य सुना देशबंधु दीक्षित जी का? जी। उन्होंने कहा कि शरीर का कोई अंग अगर खराब है तो उसे काट के फेंक दो। मैं आऊंगा आऊंगा आपके पास आऊंगा देशबंधु जी, आपका बयान मैं सुन चुका हूं, मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूं इस पे। विपिन शर्मा जी, क्या लगता है? त्रिशूल जी, जी जी, देखिए यहाँ पर मैं एक मिनट मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को एक मिनट बोलूंगा कि एक मिनट जरा सुन लें। देखिए यहाँ पर एक बात है कि सवाल ये उठता है कि विपक्ष हो या मीडिया जगत के लोग हों, आपसे आपकी जवाबदेही बनेगी कि आप जब उनको क्या कारण था कि आप जो आपकी एक नीति रही है सरकारों की, कोई भी सरकार रही हो, कि आप उसमें उनको 26% आप शेयर दे सकते थे, आपने एकाएक सारा कुछ दे दिया। अब और ये देखिए, ये तो एक रिवायत सी चल पड़ी है यहाँ पर, तो वहां पर सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी बिडिंग कितनी हुई, कितने बिडर्स आए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, जी देखिए, देशबंधु दीक्षित जी ने कहा, मुझे नहीं पता इनकी क्या मंशा है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जब वाजपेयी जी कार्यकाल में बिकी थी तब शायद वो उतनी बीमार नहीं थी, और मॉडर्न ब्रेकरी जब बिकी थी उस समय 40% ब्रेड बाजार में, भारत के ब्रेड बाजार में 40% हिस्सेदारी मॉडर्न ब्रेकरीज की थी। आपको पता होगा ये बात, बालको उतनी ज़्यादा गंभीर हालत में नहीं थी। रंजीत होटल, अशोक यात्री निवास, कुतुब होटल, ये तमाम होटल, सेंटोर होटल, ये तमाम उतने घाटे में नहीं थे। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ योजना बनाई, लेकिन पूरी तरह रफ्तार अगर पकड़वाई तो बीजेपी ने, जो हमेशा ये कहती थी कि देश नहीं बिकने देंगे, और देश का जर्रा जर्रा बिका जा रहा है। निश्चित बात है, यहाँ पर अब पूरा विपक्ष को पूरा हक बनता है कि वो एक जवाबदेही ले सरकार से कि यहाँ पर आपकी जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो नीति है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। क्योंकि आप जब रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आपने नीति आयोग का गठन करा, आपकी तमाम योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, आप लोग एक अपना अपने सपना साझा करा कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 trillion तक लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर है कि आपकी जो सरकारी कंपनियां हैं, अगर उनका निजीकरण हो रहा है तो वो कहां तक बात जायज है, ये सवाल उठता है यहाँ पर। और जो आपकी एक नीति रही है, इतने इतने वर्षों से नीति रही है कि इतना प्रतिशत उसकी होल्डिंग हम लोग, शेयर होल्डिंग हम लोग रखेंगे, सरकार के पास रहेगी, वो एकाएक आप उस नीति में बदलाव ले आते हैं तो निश्चित बात है सवाल उठेंगे यहाँ पर, और शंका विपक्ष के मन में भी आएगी, एक आम आदमी के मन में भी आएगी कि आखिर सरकार क्या चाहती है इस समय। और क्या देखिए, उसमें ये कोई नहीं बोलेगा कि सरकार की नीयत खराब है, लेकिन ये निश्चित बात है, एक हक सबका बनता है, एक आम आदमी का हक बनता है कि वो सरकार से सवाल पूछे कि आप क्या ये जो आपकी नीति है या जिन आप जो नए कदम उठा रहे हैं कि वो क्या सही मायने में वो देश हित में है, और जो राष्ट्र निर्माण की आप बात करते हैं, क्योंकि आपने एक अगर आंकड़ों की बात करें कि आप मोनेटाइज कर रहे हैं एसेट्स को, आप बोलते हैं कि हम लोग रोड सेक्टर से हम इतना पैसा लेके आएंगे, रेलवे से हम लोग 25% लेके आएंगे, पावर सेक्टर से 15% हम लोग लेके आएंगे, वेयर हाउसिंग से, अर्बन रियल एस्टेट से, वो बातें ठीक है अपनी जगह, एक बातें कानों में पड़े तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो बातें बोलनी बड़ी आवश्यक है त्रिशूल जी, कि यहाँ पर एक तो जो कोरोना की मार पड़ी उसके पहले अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर चल रही थी आपस में तनातनी, उससे कई मुल्कों की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर असर पड़ा। और सबसे बड़ी बात है
बहुत एक अहम बात मैं इस चर्चा में बोलना चाहता हूं, एनपीएस का इतिहास रहा हिंदुस्तान में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, ऐसे कर्जे जो आपने दे दिए जो कभी वापस नहीं आएंगे और जिसने इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया अर्थव्यवस्था का, और आप ये नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो आपकी नीति है वो स्वागत योग्य है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये वही वाली बात हो गई कि आप सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन उस पर अमल कितना हो रहा है, कितने कारगर साबित हो रहे हैं, ये एक आम आदमी पूछना चाहता है। विपक्ष तो पूछेगा अब, लेकिन यहाँ पर आम आदमी भी पूछना चाह रहा है, कहाँ पूछ पा रहा है वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि क्या पता है, पवन हंस की बात करें सबसे बड़ा उदाहरण है, विपिन शर्मा जी सुन लीजिए, एलआईसी की बात है, विपिन शर्मा जी की सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस की कंपनी है, तो वो सबसे बड़ी बात, अगर आप निजीकरण कर रहे हैं तो वहां पर ये कदम क्या ये देश हित के लिए होगा, इससे राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, इसमें हरेक को हक बनता है कि वो जवाब मांगे। यहाँ पर जो सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा का, मैं बिल्कुल हम लोग अपेक्षा करेंगे कि वो उत्तर दे, ताकि यहाँ पर जो शर्मा जी मैं जो एक मन में सवाल उठ रहे हैं, विपिन शर्मा जी मैं इनसे अभी जवाब नहीं लूंगा, लेकिन बता दूं आपको जानकारी के लिए 21,000 करोड़ का एनपीए है ये स्किल इंडिया और आरएसएलडीसी और ये अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन है इसमें, ठीक है, मुद्रा योजना और तमाम योजनाएं, ठीक है, इस पर बहस हम नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। देशबंधु दीक्षित जी, क्या जो आप चाहते हैं वो लोगों से हम पूछें या जो लोग चाहते हैं वो हम आपसे पूछें? तो दरअसल हम ये नहीं कर पाएंगे कि जो आप चाहते हैं वो हम लोगों से पूछें, हम जो लोग सोचते हैं, लोग जानना चाहते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। क्या मॉडर्न ब्रेकरीज जब बिकी थी क्या वो उतनी गंभीर हालत में थी, और हिंदुस्तान जिंक बिकी थी क्या वो उतनी गंभीर हालत में थी? आप तो बीजेपी में पुराने ही लगते हैं मुझे, अभी नए तो आए नहीं होंगे, तो ये तो आपके कार्यकाल में शुरू से ही हो रहा है, तो क्या उनके इलाज की आपने ज़रूरत नहीं समझी पीएससी उसके? भारत की जनता जो चाहेगी सरकार वैसे चलेगी, या सरकार वैसे चलेगी जो भारत की जनता के हित में, वाक्यांश ये होना चाहिए। और रही बात अभी हमारे कांग्रेस की, सबसे प्रतिष्ठित चैनल पे बैठते हैं और सबसे पहली बात इसी चैनल पे बैठ के बोलते हैं, उसके बाद कितनी विरोधाभासी चीज है, चैनल पे ही बैठते हैं, मीडिया वाले सभी मीडिया वालों को टिकाऊ कह देते हैं, इंक्लूडिंग उसमें आप भी समझे। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल भी, ये वो चैनल है ही नहीं जो देश के लोगों से जबरदस्ती पूछता हो कि बताइए ये बात, हम तो बिल्कुल नहीं पूछते, हम तो आपसे पूछेंगे कि देश के लोग पूछ रहे हैं सरकारी कंपनियों को क्यों बेचा जा रहा है, हम तो पूछेंगे बिल्कुल आपसे। आप यह बताइए, जो कंपनी जो आज आपने मुद्दा छेड़ा, जब जनता के हित में वो स्थापित करने के लिए सरकार ने बार बार प्रयास किया, और 2004 से 2014 तक ये एक दशक ऐसी सरकार रही जो सरकार के और भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन के रही, धरती से लेके आकाश तक, आकाश से लेके पाताल तक कोई ऐसा चीज नहीं छोड़ा जो इन्होंने बेच न डाला, और उसके बाद भी फिर जो बच रहे हैं वो आप बेच रहे हो, फर्क क्या है आपने और उन्होंने बताइए? बात को पूरा करिया तो वक्त दिया करिए मुझे, मैंने सभी आपके अतिथियों की बात सुनी तो 30 मिनट आपकी बात सुनी, आपने अपने शब्दों को मेरे शब्दों में कह दिया, मैंने कहा कोई भी बीमारी लाइलाज होती है और जब तक हम उस बीमारी का उपाय कर सकते हैं हम करते हैं, इसी तरह कोई भी सरकारी कंपनी जब तक चल सकती थी सरकार ने उसकी मदद, लेकिन जब कहते हैं बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि शरीर का जानलेवा हो जाए, और जो आप सरकारी कंपनी में ये सर्विस प्रोवाइडर हेलीकॉप्टर थे विगत कुछ वर्षों में, फिर मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ, जब जनता जनार्दन से इसका अहित होने लगा तो देश के हित में सरकार ने इसको बीच देने में ही भलाई समझी, उनकी आप तुम साथ आपने कह दिया आपने कह दिया, और आप जो कह रहे हैं आप बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं देशबंधु दीक्षित जी, बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। विनिवेश मंत्रालय किसने बनाया? वो जनता के हित में किए हैं, और सभी मीडिया टिकाऊ नहीं होती है, आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल में आप जैसे ईमानदार पत्रकार होते हैं। और रही बात, अब ये एक विपक्ष के एक बात को फिर दोहराऊंगा,
आदित्य जी आपके पास सरकार है, पूर्व प्रधानमंत्री जो संगत हो गया कहता था 1 पैसे हैं तो 15 पैसे आपके सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ विनिवेश मंत्रालय किसने बनाया, ये जवाब दे दीजिए मुझे। देशबंधु दीक्षित जी वो तो राजीव गांधी थे, कह दिया मैं, सबने सुन लिया, बर्लिन तक चला गया ये संदेश तो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ विनिवेश मंत्रालय किसने बनाया। देशबंधु दीक्षित जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, विनिवेश मंत्रालय किसने बनाया, बीजेपी ने कि कांग्रेस ने? ठीक है देखिए, कोई मंत्रालय बनता है, निवेश आता है तो आपके 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 उसमें थी योजना के बेचना है कंपनियों को, अब आप इनकार करें उससे ठीक नहीं लगता। मैं आऊंगा आपके पास आदित्य त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा आपके पास आदित्य त्रिपाठी जी। चलिए चलिए मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास आदित्य त्रिपाठी जी। आदित्य त्रिपाठी जी आपका विरोध 140 शब्दों का दबा कुचला विरोध और महज दिखाने भर के लिए विरोध, और कोई विरोध नहीं है। मैं आ रहे हैं आपके पास देश बंधु जी, आ रहे हैं आपका विरोध। देखिए सुन लीजिए सवाल आदित्य त्रिपाठी जी, आपका विरोध दबा कुचला विरोध, 140 शब्दों का विरोध और बिखरा हुआ विरोध, और इसके अलावा कोई विरोध नहीं है आपका। ऐसा लगता है कि आप सरकार की हर मंशा में शामिल हैं, बुरा लगेगा आपको? पहली चीज जवाब चाहूंगा आपसे, नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे बताना चाहूंगा कि विरोध जिस स्तर पर कांग्रेस कर रही है, लगातार कर रही है, और कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो स्टैंड लेकर पार्लियामेंट में इनके अगेंस्ट खड़ी रहती है, और लगातार इनके गलत नीतियों का कांग्रेस विरोध कर रही है। जी मेरे को आ रही आवाज, बोलिए आप आदित्य जी, बोलिए आप। देश बंधु जी देखिए, देश बंधु जी ये बिल्कुल भी ये परिपाटी ठीक नहीं है, आप जवाब सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास जी। पब्लिक सेक्टर बैंक 27 से 12 कर दिए इन्होंने, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 2017 में 8.57 लाख थी, मार्च 2021 में 7.7 लाख हो गई, नौकरी लगातार गिर रही है, ब्रांचेस 3321 ब्रांच 17 से लेके 21 तक क्लोज हुए, 3321 ब्रांच, ये सब लॉस कहाँ जा रहा है? ये जितने हैं नौकरी जा रही है, लॉस हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन से कितना लॉस हो रहा है इनको जरा सा भी अंदाजा नहीं। प्राइवेटाइजेशन से आज ये है कि जो ओबीसी आरक्षण था, एससी आरक्षण था, वो भी खत्म होने के कगार पे है। मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप बता दीजिए कितने प्राइवेट कंपनीज आरक्षण दे रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है, सरकारी था तो आरक्षण का लाभ मिलता था। तो हर हाल में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, और जितना ये अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे हर तरह से ये फायदा पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर पार्लियामेंट में आज इनकी संख्या ज्यादा है, और उसके आधार पे ये जो डिसीजन लेते हैं एक तरह से ले लेते हैं, एक तरफ से डिसीजन ले लेते हैं। जी आ रहा हूं मैं, आप सुन लीजिए, सबका पक्ष जानिए, आप तो सत्ता में बैठे हैं, मुखिया है, आप नहीं सुनेंगे। एयर इंडिया को बेच दिया तो वैसे ही कुचल के एयर इंडिया 17 से पहले प्रॉफिट में था, 17 में जब स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा कि हम इसको बेचने वाले हैं, लॉस में चलने लगा, इनको जिस कंपनी को बेचना होता है उसको लॉस में लेते जाते हैं, उसके लिए बजट एलोकेट नहीं करते हैं। इनसे कहना चाहूंगा जब टॉपिक पे बात हो रही है तो टॉपिक पे बात करें कि कितना इन्होंने जॉब क्रिएशन किया, प्राइवेटाइजेशन लाकर कितने पीएसयू इनके सरकार में बने, सिंगल पीएसयू का नाम बता दे जो मोदी जी ने क्रिएट किया। और सुन नहीं रहे, सुन तो लीजिए कम से कम, सुन तो लीजिए, कोई आपका जवाब होगा ले लेंगे, सुन तो लीजिए कम से कम। ठीक है मैं आदित्य जी आऊंगा आपके पास। विपिन शर्मा जी, विनिवेश मंत्रालय किसने खोला, किसने पंख लगाए और किसने तमाम चीजों को बेच डाला? देखिए बहुत राष्ट्रवाद की बातें होती हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी समझते हैं सारे राष्ट्रवाद को, लेकिन जहां सवाल है वहां तो पूछना पड़ता है ना। देश का तो कलेजा, भारत माता का तो कलेजा दुखता ही होगा ना, जब एक एक घर का सामान बिकता जाता है तो। बड़ी
बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक तरफ आप नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं और दूसरी बात तो इसका मतलब क्या, निष्कर्ष क्या निकाला जाए कि क्या आने वाले वक्त में आपकी ये नीति है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले तो 1999 से लेकर 2004 का जो दौर था वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे वहां पर जब 12 PSUs को आपने डिसइन्वेस्टमेंट करा उसका वो एक दौर था, उसके बाद उसी उन्हीं पर्चिनों पे आप मोदी सरकार चल रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चलिए अगर हम आकलन करते हैं कि यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा कि क्या आने वाले वक्त में सरकारी कंपनियां नहीं रहने वाली, तो पहला सवाल ये है कि फिर उनका क्या, उनकी क्या अहमियत रहेगी, और दूसरी बात है कि पारदर्शिता की, ये सवाल सबके मन में उठेगा कि आपका जो बिडिंग प्रोसेस था कितने आपने चयन कैसे करा, अंत में जब आप निर्णय आपने करा या किसी का एक एक जिस पार्टी को आपने दिया, जिस कंपनी को आपने वो सरकारी कंपनी दी, तो वो उसके पीछे जो प्रक्रिया थी उसमें कितनी पारदर्शिता थी और वैल्यूएशन जो प्रक्रिया थी वो कितनी पुख्ता थी, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। यही इन्हीं बातों को मुद्दा बना रहा है विपक्ष और ये इनको हक मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी अगर करना है तो वो सरकार को ही करना पड़ेगा कि वहां पर वो बिल्कुल एक सही जवाब दे और उसके पीछे का कारण बताएं। देखिए क्योंकि अगर हम एयर इंडिया की बात करते हैं तो वो कई वर्षों से वो एक लॉस मेकिंग पूरा उसका जो नुकसान में चल रही थी, और यहाँ पर तो वहां पर अगर आपने टाटास को दिया फिर वो टाटास के पास उनके पास दोबारा आया 70 साल बाद, तो वो बातें समझ आती है फिर भी। लेकिन यहाँ पर जो एक एक सिलसिला सा चल पड़ा है तो यहाँ पर और खासतौर पर क्योंकि आज की चर्चा पवन हंस पर है तो वो सवाल उठेंगे कि सरकार क्या चाह रही है, और सबसे बड़ी बात है कुछ शेयर होल्डिंग अपने पास क्यों नहीं रखती यहाँ पर, ताकि मैनेजमेंट आप दे रहे दूसरे को प्राइवेट कंपनी को, वो बात समझ आती है। लेकिन यहाँ पर कुछ शेयर होल्डिंग अगर रखते हैं तो क्या उससे बढ़िया तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाएगा, क्या वो बात देश हित के लिए नहीं होगी, तो ये तमाम बातें जो है इस समय इनका उत्तर देना पड़ेगा, जवाबदेही बनती है सरकार की, और यहाँ पर तभी बिल्कुल यहाँ पर जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो दूर होगी। अब देशबंधु दीक्षित जी आप अपना जवाब रखिए। दरअसल देखिए देश को भी पीड़ा होती है, कोई सामान कोई चीज बिकती है तो निश्चित रूप से आपकी जो कहीं आपसे अपेक्षाएं हैं वो एक ऐसे महान राष्ट्रवादी पार्टी की तरह हैं कि आप इस देश का एक कतरा कतरा भी सुरक्षित रखेंगे, तो आपसे सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं। अभी देखिए हमारे कांग्रेस कुछ आंकड़े रख रहे थे, अभी जो अभी पहले CMI के आंकड़े हुए, चार राज्य जहाँ पे भाजपा नहीं है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, नंबर वन राजस्थान 28% आंकड़े बहुत दे रहे थे, मैं कागज नहीं जाता मुझे याद है, उसके बाद दिल्ली आता है, दिल्ली का आंकड़ा है 11%, ना हो गूगल कर उसके बाद आता है तमिलनाडु के बाद झारखंड, तो यहाँ पे CMI के आंकड़े, और आपको बता दें उत्तर प्रदेश जहाँ हमारे माननीय सचिव आदित्यनाथ योगी वहाँ पे बेरोजगारी के आंकड़े, और बेरोजगारी पे है ही नहीं महाराज, मैं बेरोजगारी पे बहस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बेरोजगारी पे बहस कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है सर देशबंधु जी, आप बिल्कुल गलत बात है, प्रबुद्ध वक्ता है आप, मेरी बहस बेरोजगारी पे है ही नहीं। आप मेरी बात तो पूरी हो जान लीजिए, मुझे एक बात कहने तो दीजिए, अभी आखिरी बात में आपके सवालों पे आ रहा हूँ सर, और विपिन सोनकर देखिए विपिन सोनकर क्या कहते हैं, मैं उनकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सरकारी कंपनियां क्यों बिक रही हैं, सरकार के पास क्या जवाब है, मैं आपसे जवाब लूंगा लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। देशबंधु दीक्षित जी मेरा सवाल आपसे PSUs को लेकर है, बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर और बहस कर लेंगे, अन्य डिबेट में मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा, कांग्रेस को निरुत्तर कर दूंगा, कांग्रेस से भी पूछ लूंगा कि आपके 28.6% क्यों हैं, सब सवाल हो जाएंगे। लेकिन सवाल आज सबसे बड़ा ये है कि देश की कंपनियां बिक रही हैं और ये आपकी योजना में शामिल था शुरू से, विनिवेश मंत्रालय आपने बनाया, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए आप पूरी तरह से योजनाबद्ध हैं, और हम ये जानना चाहते हैं, तमाम देश ये जानना चाहता है कि राष्ट्रनायक ये क्यों कर रहे हैं, और आपको राष्ट्रनायकों की तरह अपेक्षा की जा रही है कि देश का कतरा कतरा अगर सुरक्षित है तो वो आपकी सरकार में है, फिर उस कतरे पर
पर क्यों उसके कतरे जा रहे हैं, क्यों उसके पैसे लिए जा रहे हैं, क्यों उसका मूल्य लगा के बाजार में खड़ा कर दिया जा रहा है, इतना सा सवाल है जिसका आप बेरोजगारी के आंकड़ों से जवाब दे रहे हैं। आप बड़े प्रबुद्ध वक्ता हैं, मेरा आपसे बिल्कुल कोई किसी तरह का वो नहीं है, आप सीधा सीधा जवाब मुझे दे दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जवाब में तमाम लोगों की एक हित छुपा हुआ है कि वाकई में आपकी मंशा दरअसल है क्या। नहीं, आप मुझे समय देंगे और मेरा जवाब सुनना चाहेंगे तो जरूर देंगे, अगर आप डॉक्टर बनके अगर बात करेंगे तो मेरा जवाब सुनिए। आप कुछ भी कहिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे सवाल पूछो, आपको कहीं हाथ डालो तो आपको लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आप बेरोजगारी के आंकड़े क्यों बता रहे हैं मुझे बताइए देशबंधु जी, आप तो प्रबुद्ध वक्ता हैं, कितनी बार डिबेट में जुड़ते रहे हमारे संग, ये आप क्या बात कर रहे हैं। 137 करोड़ का भारत वर्ष मात्र कांग्रेस के मित्र के प्रवचन या सर्टिफिकेशन का गवाह नहीं है। भारत की ये आपको बुरा लगता है, आपका जमीर भी आपको झकझोर देता है कि भाई क्यों पूछा जा रहा है देश में सवाल, सवाल तो आप जो कहो वो पूछे, वो देश के नायक है और आप ये व्यंग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल व्यंग कर रहे हैं भाई, बिल्कुल कर रहे हैं, आप सरकारी चीजों को बेच रहे हैं तो बिल्कुल व्यंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे क्यों आपको बुरा लग रहा है बताइए। सर्वोपरि स्थान पर है, उस बात के लिए हमें 137 करोड़ जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, और आपने जिस कंपनी का मुद्दा छेड़ा आज जो विषय आया, मैंने पहले कहा लोक कल्याण हित के लिए हमारी भारत सरकार प्रतिबद्ध है, जो उचित से उचित और सही निर्णय होगा वो लिया जाएगा, और आपने जो कहा ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी थी, हम सेवाएं अच्छी देती थी, लेकिन आप कहते हैं जब तकनीकी पुरानी होती है हम उसको पुनर्स्थापित करते हैं, जब तकनीकी जो है एक सीमा के बाहर हो जाती है तो उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको बता दूं तकनीकी भाषा में आपके दर्शकों को समझा दूं, तभी हम पूछी, कभी एक फोन आता था बड़ा भारी भरकम, हम उसको मानते थे, आज ऐसे ऐसे फोन आ गए हैं, दूर संचार क्रांति आई कि आप देखे 2G 3G 4G अब हम 5G पे जा रहे हैं, आप 5G की टेक्निक में 2G की टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह बात आपके दर्शकों को मालूम होगी और आप प्रतिष्ठित चैनल के एक एंकर हैं, आप भी समझ रहे होंगे कि अगर हम 5G की टेक्निक में 2G की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो वो खराब नहीं चलेगी। ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी तकनीकी रूप से खराब थी, विगत वर्षों में दुर्घटनाएं बहुत हुई, जनता की रक्षा करने के लिए सरकार ने अनेकों बार प्रयास भी किया, और जो अभी कांग्रेस के मित्र हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे 2004 से 2014 तक इन्होंने इतनी जर्जर व्यवस्थाएं की, PSU की वो हालत की, घोटाले, इनके वित्त मंत्री आज भी जेल में होके आए और बहुत सारे मंत्री आज भी जेल में हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई चीज होती है सरकार का विश्लेषण करती है, निवेश डिपार्टमेंट खुला वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन देश हित में जो हमारी सरकार को होगा वो लगेगा, और अभी सोनकर कह रहे हैं आप प्राइवेट सेक्टर में है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पैकेजों पे जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट, अभी आप कहते हैं अरे समझ गए लाखों रुपए संग्रह बढ़ा, हमारे जीएसटी का संग्रह बढ़ा तो बहुत सारे व्यापार भी बढ़े, तो रोजगार अपने आप घटा, और आप जो कहते हैं अगर सरकारी कंपनियां बहुत जर्जर स्थिति में है और वो हमेशा हाथ पर चल रही है, कई बार पवन हंस कंपनी को सरकार ने पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन जब लगा बिल्कुल नहीं किया। तीन बार रिपोर्ट गई बेचने के लिए, तीन बार रिपोर्ट दी बेचने के लिए, मंत्रालय को कहा बेच दीजिए, बराबर 3 साल लगातार कहा बेच दीजिए, बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया पुनर्स्थापित करने का। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं क्या गलत कह रहा हूँ, रिपोर्ट गई है कि बेच दीजिए कंपनियों को, और मात्र 6 महीने पुरानी कंपनी है जिसको आपने बेच दिया, 6 महीने पुरानी कंपनी है, पढ़ लीजिएगा आप। मेरे पास भी रिपोर्ट है, सरकार ने अनेकों प्रयास किए, ऐसा नहीं है पिछले 8 वर्ष में जब से हमें अरे चलिए बता दीजिए कितने हेलीकॉप्टर है, रिपोर्ट है तो बता दीजिए पवन हंस में कितने हेलीकॉप्टर है, बता दीजिए लाना हो देश बंधु दीक्षित जी बता दीजिए ना कितने हेलीकॉप्टर है पवन हंस में, पाकिस्तान और चीन को जवाब देना। अरे कमाल कर रहे हैं साहब, पाकिस्तान और चीन को जवाब दे देंगे, क्या चीन और पाकिस्तान को जवाब दे देंगे, जवाब तो पहले ये है जो हम मांग रहे हैं, बात कर रहा है आपके
बस ये आपको लगता है, बस ये आपको लगता है भाई, कोई आपसे सच्चाई की बात पूछ ले तो आपको लगता है कि राष्ट्रद्रोही है, ये राष्ट्र के खिलाफ है, आप राष्ट्रभक्त हैं और आपने पूरी ठेकेदारी जिम्मेदारी ले रखी है कि जो भी सवाल है वो आपके समर्थन में पूछा जाए। विपिन शर्मा जी, जी हर सवाल समर्थन में पूछा जाए, हर सवाल जो जायज सवाल है उसको न पूछा जाए। मैं भाई देखिए एक मिनट, देखिए ऐसा है कि जब अगर पत्रकार, अगर मीडिया, मैं वही बोलने जा रहा हूँ, एक मिनट मैं आग्रह करूंगा, एक मिनट सुन लीजिए देशबंधु, एक मिनट विचार सुन लीजिए। देखिए अगर मीडिया सवाल पूछने बंद कर देगी तो ये कहाँ की समझ होगी, ये तो इसका स्वागत होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मीडिया भी सवाल पूछ रही है और यहाँ पर, और बिल्कुल जायज सवाल है यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है कि भाई आप कि ये एक प्रक्रिया सी क्यों चल पड़ी है यहाँ पर, और वो जो पहले वाजपेयी साहब के समय होता था 1999 से लेकर 2004 और फिर वही अब एक रिवायत से चल पड़ी है जब से मोदी सरकार का गठन हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या कारण है इसके पीछे, क्योंकि जनता भी ये जवाब चाहती है कि ये इसके पीछे कितनी पारदर्शिता बनाई है और साथ में आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, बिल्कुल बात समझ आती है, हिंदुस्तान को भी आपने विश्व गुरु बनाना है, आपने अर्थव्यवस्था को भी $5 trillion पे लेके जाना है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर साथ साथ सवाल भी पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर अगर सवाल पूछे जाए तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर उस पर आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, कि यहाँ पर जो जितने आप चाहे, अगर आप पवनहंस की बात करते हैं कि उसके कितने 42 हेलीकॉप्टर हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है उसके उसका क्या योगदान रहा है, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर है, जैसे हेलीकॉप्टर है, विपिन शर्मा जी इनने को सोचा नहीं, और कुछ सवाल पूछ लो तो इनको लगता है कि गलत बात बोल रहे हैं, और उस समय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड थोड़ी थी घाटे में, बताइए जरा जब वो उसको बेचा गया। निश्चित बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल जो उदाहरण दिए हैं और बिल्कुल पहले भी आपने देखा, और फिर इसके देखिए तुलना करी जाएगी कि जो यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल था 10 साल का, वहां पर कोई भी आपने प्राइवेटाइजेशन नहीं करी कंपनी की, सरकारी कंपनी का निजीकरण नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये तुलना ये जरूर उठेगी, तो यहाँ पर इसीलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं आज कि यहाँ पर जो अगर सरकार, वर्तमान की सरकार अगर ऐसे कदम उठा रही है तो उसके पीछे आगे की रणनीति क्या है, और आगे की रणनीति मैं बता देता हूँ आपको, उससे आगे की रणनीति मैं बता देता हूँ, 254 PSU है जिसमें 26 करने का फैसला है कि मात्र 26 PSU रखी जाए। आदित्य त्रिपाठी जी बताइए जरा क्या कहना चाहते हैं आप, सुन तो रहा नहीं ये देश आपको और आप कुछ कह नहीं पा रहे। 211 crore में इन्होंने पवनहंस को बेच दिया, मोदी जी ने खुद चलने के लिए 8400 crore का प्लेन लिया, जारी रखिए अपनी बात। 28500 crore का घोटाला शिपयार्ड वाला आपकी सरकार में हो रहा है, आपकी सरकार में माल्या भाग रहा है, आपकी सरकार में नीरव मोदी भाग रहा है, कांग्रेस का आठ साल का कार्यकाल हो गया आपका, कितने आरोपों को आप सिद्ध कर पाए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आपने माफी मांगी, हर जगह आप माफी मांगते फिर रहे हो, अपने कैग के चीफ को आपने पुरस्कृत किया, जो हमारे टाइम में कैग के चीफ थे आप उनको पुरस्कृत कर रहे हो, देश देख रहा है जिस तरह से आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो पूरा देश देख रहा है। जब आपसे प्राइवेटाइजेशन की बात करो, रोजगार की बात करो, आप चीन और भारत और पाकिस्तान लाल आग काला आग पीला आग करने लगते हो, ये देश देख रहा है, इस देश का युवा देख रहा है जो बेरोजगार है, 3 साल से सेना भर्ती रुकी हुई है, ये देश देख रहा है। खबर क्या आती है कि एक छात्र ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो ओवर एज हो गया था, MS के बच्चे वेट कर रहे हैं सर्जरी के, मास्टर्स के, कि उनकी परीक्षा हो जाए और उनका एडमिशन हो जाए। एक PSU आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाए 8 साल के कार्यकाल में, 26 बेचने के लिए लाइन में लगा दिया है, ये 26 आपने नहीं क्रिएट किया। त्रिशूल जी एक बात बोलना चाहूंगा बोलिए। देखिए मैं चाहूंगा ये दोनों सम्मानित प्रवक्ता एक मिनट मेरी बात सुन ले, जल्दी बोल दीजिए। यहाँ पर एक बात तय है कि अगर मनमोहन सिंह साहब के समय 10 साल का जो दौर था वहां पर अगर
सरकारी कंपनियां नहीं बेची गई तो वो एक मुद्दा है, लेकिन ये भी बात आप नकार नहीं सकते, सरे से खारिज नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे वो भी अपनी जगह है, लेकिन एक बात है कि आजादी के समय एक डॉलर एक रुपए हुआ करता था। समय समाप्त हो रहा है, जो हालत हुई है विपिन शर्मा जी, आदित्य त्रिपाठी जी, देशबंधु दीक्षित जी, समय समाप्त हो रहा है, तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सरकार 8 साल से लगातार जारी है देश में, लेकिन सरकार को बजाय अपनी उपलब्धियों के आंकड़े के ये कहना पड़ रहा है कि देश में 70 साल से कांग्रेस ने ये किया, 70 साल से वो किया, तो ये सबसे बड़ी मजबूरी है कि सरकार आखिर अपनी उपलब्धियों के आंकड़े पर मौन क्यों है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।